एचजे न्यूज की रिपोर्ट। ज्यादा जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब्बू 4 नवंबर को अपना 46वां बर्थडे मना रही हैं। तब्बू का जन्म 4 नवंबर 1971 में हैदराबाद में हुआ। हैदराबाद के सेंट इंस हाई स्कूल में पढ़ाई पूरी करने के बाद तब्बू 1983 में मुंबई आ गई। फिर उन्होंने 2 साल तक सेंट जेवियर्स कॉलेज में पढ़ाई की। बर्थडे के खास मौके पर आपको बताते हैं तब्बू की जिंदगी का एक बहुत बड़ा सच, जिसे अगर वो दुनिया के सामने ला देती तो बॉलीवुड जैकी श्रॉफ का करियर शायद बर्बाद हो जाता। बात 1986 की है, जब तब्बू की बड़ी बहन फराह और जैकी श्रॉफ दिलजला फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। तब्बू अपनी बहन फराह के साथ अक्सर सेट पर जाया करती थीं। फिल्म में डैनी विलेन का रोल प्ले कर रहे थे। जानकारी के मुताबिक फिल्म की शूटिंग खत्म होने के बाद डैनी ने अपने घर पर एक पार्टी रखी, जहां पर फराह अपनी छोटी बहन तब्बू के साथ पहुंची। लेकिन वहां पर मौजूद एक्टर जैकी श्रॉफ ने इतनी शराब पी ली कि वो तब्बू से जोर जबरदस्ती करने लगे। फराह ने एक इंटरव्यू के दौरान इस बात का खुलासा करते हुए कहा था कि अगर डैनी बीच बचाव करने नहीं आते तो जैकी ने तब्बू को बदनाम करने की ठान ली थी, लेकिन तब्बू ने कभी भी इस बात का जिक्र नहीं किया। अगर उस समय वो कोई सख्त कदम उठा लेती तो जैकी श्रॉफ का बॉलीवुड करियर खत्म हो जाता।